हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम फैजान है और पटना में 4 से 5 साल रहने के बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आपको पटना के बारे में बता सकता हूँ। हे गाइस, फिलहाल तो अभी मैं अपने लोकल वाले मार्केट एरिया में घूम रहा हूँ। देख रहे हो ना मार्केट एरिया कितना मस्त है, गाय वाय जंगल वंगल दिख रहा है। नहीं, ये फिलहाल एक पार्क है। आज ना मैं जब घूम रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि मेरे से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछे कि फैजान भाई एक बात बताओ, अगर हम पटना जाएं पढ़ने के लिए तो वो हमारे लिए कैसा ऑप्शन रहेगा? क्या हम पटना जाकर पढ़ाई कर सकते हैं? एक मिडिल क्लास बंदा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो अगर किसी शहर जा रहा है ना भाई, और हम जितने भी बिहार के लोग हैं ना, हम ये चीज़ जानते हैं कि हम अगर किसी नए शहर जा रहे हैं तो हमें 2 से 3 साल बाद क्या उसका एक आउटपुट मिल पाएगा या नहीं। क्योंकि बड़े शहर में जाना तो बहुत आसान है कि चलो यार कुछ पैसे खर्च होंगे, हम चले तो जाएंगे, लेकिन क्या उस चीज़ से मेरा एक आउटपुट मिल पाएगा या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पटना, क्या पटना जाना बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए अगर हम जनरल कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, नीट के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए? अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आपका बजट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी शहर में जा रहे हैं तो हमें पहले बजट देखना है। मैं जब पटना जा रहा था तो मैं सबसे पहले ये सोच रहा था कि काश मुझे ऐसा रूम मिले जो थोड़ा रीजनेबल हो और मैं महीने के ना 5 से 6 हज़ार में सर्वाइव कर लूं। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं भाई, खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि 7 हज़ार कम से कम हम मुझे महीना के लिए चाहिए। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियोस भी बना रखी है कि आप अगर बड़े शहर पटना जा रहे हो तो वहां आपका टोटल खर्चा कितना पड़ने वाला और क्या क्या रूम का प्रोसेस, आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की। देखो, आप अगर नॉर्मल शहर में हो, आप अगर अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में क्लासेस करने जाते हो, सपोज कि मेरा सीतामढ़ी है, तो वहाँ पर उस लेवल के टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं जो हमें पटना के लेवल का पढ़ाई करवा पाए या फिर दिल्ली लेवल का। लेकिन जो टीचर्स पटना में होते हैं, जो इंस्टीट्यूट पटना में है, वो हमें काफ़ी अच्छे से नॉलेज देता है, लाइक हमारे होम टाउन से तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर मेरे पास अगर ऑप्शन रहे कि पटना और दिल्ली चॉइस करने में, तो मैं हमेशा पटना को चॉइस करूंगा। रीज़न, क्योंकि पटना का एक अलग माहौल है। वहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं ना, सारे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट आते हैं और हम एक बहुत ही कम बजट में पटना में रहकर और काफ़ी अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि हमें अच्छे से पढ़ाई करवाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप किसी और शहर जाने की सोच रहे हो कंपैरिजन टू पटना, तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन पटना है। क्यों? क्योंकि पटना में पता है झारखंड से लेकर यहाँ तक के उत्तराखंड से लेकर कहाँ कहाँ के स्टूडेंट, दूर दूर के स्टूडेंट आते हैं। चीज़ मुझे हमेशा से ही पटना में ख़राब लगा है कि एक भले कितने दूर के स्टूडेंट भी क्यों ना आते हो, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स हैं ना, अपने क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा कर रखते हैं। लाइक मैं कुछ दिन तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि एक क्लास में लगभग 300-400 बच्चे पढ़ रहे थे, और इतना सारा बच्चे जब एक साथ पढ़ेगा भाई, तो कभी भी जो है ना हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। ये बड़े बड़े LED डिस्प्ले स्क्रीन लगा देते हैं कि भाई तुम यहाँ पर पीछे बैठकर पढ़ो, और टीचर से इंट्रैक्शन हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना आप, जहाँ पर के आपको ना बेस्ट गाइड मिल सके। एक्चुअली में पता, पढ़ाई तो हम खुद से भी कर लेंगे भाई, पढ़ाई तो हम खुद से भी कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि गाइड अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास अगर एक अच्छा गाइडेंस है, लाइक अगर कोई इंस्टीट्यूट वाला आपको अच्छे से समझा पा रहा है, आपको अच्छा एजुकेशन दे पा रहा है, मोटिवेट कर पा रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम किसी शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो हमें 1 से 1.5 साल के अंदर में तो भाई थोड़ी कामयाबी और सक्सेस तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा पैसा है हमारे पास कि पैसा को वेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, नहीं। तो हमें ना एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जहाँ पर कि हमें ना सारी के सारी सब्जेक्ट पढ़ा दी जाए। ऐसा नहीं कि इस जगह पढ़ रहे हैं, उस जगह पढ़ रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप जब एक ही जगह पढ़ोगे ना सारी चीज़, तो वहाँ पे कुछ डिमेरिट्स होते हैं कि लाइक अगर आपको एक सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ाया जा रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट अच्छे से ही पढ़ाया जाएगा, ये प्रॉब्लम आता है भाई। इससे मैं ना नहीं कहूँगा कि ये चीज़ होता है, लेकिन पटना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए अगर हम एक बजट में पढ़ना चाहते हैं तो। और बहुत ही बजट में वहाँ रूम मिल जाता है, 2000 तक में आपको रूम मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर किताब वगैरह बहुत सस्ती मिल जाती है। चलो, किताब वगैरह भी सस्ती मिल गई, रूम भी सस्ता मिल गया,
अब हम कैसे यार वहाँ पर जाकर अपने आप को मोटिवेट कर पढ़ सकते हैं? तो जब आप वहाँ का माहौल देखोगे ना, जब शाम में बच्चे निकलते हैं ना अपने हाथ में किताब लेकर, जब उनकी परेशानी देखोगे और उनकी गरीबी देखोगे, तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि यार क्या ज़िंदगी है इनकी, मैं भी ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ अपने एक साल के ड्यूरेशन में। तो जब वो स्ट्रगल आपको दिखेगा ना भाई, तो आप खुद ब खुद जो है ना मोटिवेट हो जाओगे। और एक अच्छा इंस्टीट्यूट चूज़ करना बहुत ज़्यादा, ना जाओ कोई भी शहर में जाओ, बस और बस आपको वहाँ पे अपना एक अच्छा एफर्ट देना और अच्छे इंस्टीट्यूट को पकड़ना है। पता चला आप चले भी गए, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है और आप अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हो और फिर गड़बड़ हो जा रही है चीज़ें, तो मेरा ऑप्शन है कि अगर पटना जा रहे हो, फिर किसी भी शहर जा रहे हो, तो पटना बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके करियर के लिए, क्योंकि यार उससे बेहतर सिटी कोई है ही नहीं। जब आप टेंशन में रहोगे ना, तो संडे को आप चले जाओगे NIT घाट, जब आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा ना, तो आप कभी कभी टहलने निकल जाओगे मरीन ड्राइव पर शाम में, इवनिंग में किताब ले लेना और घूमते रहना और गंगा के किनारे बैठकर पढ़ाई करना। बहुत अच्छा शहर है यार, मतलब मैं ना बहुत सारी जगह रह चुका हूँ, दिल्ली को देख चुका हूँ, इसके बाद बनारस जा चुका हूँ, इलाहाबाद, हर जगह जा चुका हूँ, लेकिन पटना जैसा शहर ना एजुकेशन के मामले में मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। और वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, वोकेशनल कोर्स वगैरह अच्छा नहीं है वहाँ का, लेकिन वहाँ का जनरल कंपटीशन में किसी के बाप की मजाल नहीं है कि कंपटीशन कर सकता भाई, बहुत सही है यार, मेरे को तो बहुत पसंद आता है। और आप भी जा रहे हो ना, तो आप भी बहुत मोटिवेट होकर आओगे वहाँ से, क्यों, क्योंकि बहुत पसंद आने वाला है। और मेरा ब्लॉग मुझे कुछ खास नहीं बताना था, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार फैजान भैया मैं जा रहा हूँ, ऐसा ना मेरा पैसा बर्बाद हो, तो मैं कहूँगा अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये 6 मिनट का वीडियोस देखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, आप मोटिवेटेड हो और पटना जा रहे हो ना, तो आप सारी चीज़ें खुद संभाल लोगे। और ऐसी अगर कोई हेल्प पड़े ना, तो मुझे याद ज़रूर करना, क्योंकि पटना में सारा हेल्प मैं कर ही देता हूँ लगभग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे ही भाई को सपोर्ट करो, और मेरे से ना कोई सजेशन हो आप इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते।